अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल हैं सबके? सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं हूँ मानसिया रोड पर और मानसिरा से नारायण कगान जा रहे हैं। बाकी सब खैरियत से हैं। तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गाड़ी का मसला हो गया है और उसका कोई चेक चेक हो रहा है, भाई चेक कर रहा है। बाकी तो हम इस काफ़ी टाइम बाद मैंने ये व्लॉग बनाया है, इसमें आपको दिखाएंगे नारायण कगान और मानसिरा के रोड एबटाबाद। हमारा इरादा इस दफ़ा बाबूसर टॉप तक जाने का है। तो देखिए क्या आगे हम सफ़र में कहां तक पहुंच सकते हैं, कहां तक नहीं पहुंच सकते। बाकी आप सबकी दुआएं चाहिए कि हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे। तो इसमें मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, चार दोस्त हैं हम टोटल, जो हमने ये सफ़र इन्जॉय कर रहे हैं। मेरे पीछे देखें, ये आई थिंक हवेलियाँ से थोड़ा सा आगे है इलाका, वहाँ का है पड़ा। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देख, तो अभी हम यहाँ पे मोटरवे के ऊपर रुके हुए हैं और यहाँ पे गाड़ी सेट करवा रहे हैं, थोड़ा सा वो हो जाए उसके बाद सफ़र आगे रवाना रखेंगे। और बहुत ही प्यारा मंजर है जो देखने के काबिल है, तो आप लोग देखें, इंजॉय करें और इससे भी आगे अगर ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रही होंगे यहाँ पहाड़ों के ऊपर घर, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत मंजर है जो देखने के काबिल है। मानसा रोड मतलब मोटरवे है उसके ऊपर, मतलब थोड़ा हमारे यहाँ पे गाड़ी का इशू हो गया जिस वजह से हमें रुकना पड़ गया, फिर भी हम रोड के ऊपर भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और दुआ करें हमारा सफ़र आगे बहुत ही अच्छा गुजरे। तो आप सबकी दुआएं चाहिए। तो ये देखें, ये मोटरवे बना हुआ है, इतनी सहूलत है। लोग डरते हैं कि आई थिंक रास्ते बंद हैं या रास्ते खतरनाक होते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, जिससे मुझे तो देखने को बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ अच्छा एडवेंचर हो रहा है जो कुछ मिल रहा है मुझे। लेकिन मैं आपको थोड़ा देखिए आपकी तरफ नजर आ रही हूँ। यहाँ से ऊपर आते हैं गाड़ी की स्पीड ट्वेंटी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपको अच्छे अच्छे और व्यूज मैं मुझे देखने को मिलते हैं तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहें और आपको इन हमारी गाड़ी ने रेस पकड़ी है, ये इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। आप दुआ करते रहें ताकि हमारा सफ़र